जो ओपन यूनिवर्सिटी में तालीम के हसूल में आपकी दिलचस्पियों की हामिल होती हैं और ओपन यूनिवर्सिटी से आपकी तालीम के सफ़र को आसान बनाती हैं इसके साथ साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से मुतलिक ताज़ा तरीन खबरें ताकि आप आगा हो सकें आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी में क्या सरगर्मियाँ मतवक़ हैं और इसके अलावा माहिर में क्या क्या तलीमी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसा कि नवम्बर दो से इम्तहान शुरू हो चुके हैं अगर आपके पेपर्स नहीं हुए तो यकीन आप तैयारी और दोहराई के अमल से गुज़र रहे होंगे और आपने अपनी इम्तहानी मशकें हल करके उनकी आखिरी तारीखों से कबल अपने ट्यूटर्स को इर्साल कर दी होंगी इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि खजा 2008 सेमेस्टर में दाखला हासिल करने वाले तलबा को आजकल किताबें इरसाल की जा रही हैं जबकि ट्यूटर हजरा की इतलावी आपको भिजवाई जा रही है हमारे वो तलबा जो मास्टर लेवल के कोर्सेज़ में दाखिला लिए हुए हैं और इम्तहाना के लिए एलिजिबल हैं इन्हें रोल नंबर स्लिप और डेट शीट इस साल कर दी गई है अगर किसी तलब इल्म को रोल नंबर स्लिप और डेट शीट ना मिली हो तो वो अपने मुतल रीजनल ऑफिस या हमारी वेबसाइट www.aiou.edu.pk से डाउनलोड कर सकता है तो नाज्रेन आते हैं इस माह के पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ सेगमेंट की तरफ ए आई ओ यू मैगज़ीन में शामिल हैं नंबर वन नार्वे यूनिवर्सिटी के वफद काबाल ओपन यूनिवर्सिटी का विज़िट नंबर टू अलामाबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बनाई हुई सेल्फ असेसमेंट सेंटर कमेटी के इजलास और हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मफाहमत की यादाश्त पर दस्त की रुदात नंबर थ्री फिक्र इकबाल की असली मानवीय के मौजू पर सेमिनार की रिपोर्ट और इस मरतबा इम्तहान देने वाले तलबा और तलबात और ट्यूटर्स के तसरत नाजरीन अलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल का क़्याम दो हज़ार सात में अमल में लाया गया इस सेल के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर दाऊद अवान क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल को अक्टूबर दो हज़ार सात में एशिया पैसफिक क्वालिटी ए पी क्यू एन के रुकन की हैसियत से नए सिरे से मुनज़म किया गया इस सेल के क्या का मकसद अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हर सतह के तालीमी प्रोग्रामों के मैार को बेहतर बनाना और मौसर मैनेजमेंट के लिए तलीम फ्राहम करना है सेल के डायरेक्टर डॉक्टर दाऊद अवान इस सेल के अगराज वोशनी डालते हुए कहते हैं And uh, it over to committees which are constituted by the uh, terms of quality enhancement and uh, quality assurance agency HEC. For example, our university is offering MBA Commonwealth of Learning, a program which is recognized in all countries of Commonwealth. A degree is offered <laughs> under the signature of Commonwealth and the Lamaipal Open University. We have evaluated that program. We have evaluated uh, Bachelor of Engineering Telecommunication. We have evaluated our uh, uh, teaching of English as foreign language and our Mass Communication degree. And those reports are under uh, referees review at the, at the moment. जैसा हमने आपको मैगज़ीन के आगाज में बताया था कि नार्वे यूनिवर्सिटी के एक यूनिवर्सिटी का दौरा किया ये दौरा क्वालिटी सेल के हुआ जिसका मकसद दोनों ममालक के बाहमी ताउन से तालीम के मियार को बेहतर बनाना है सरबरा Emails and so on. And, and they often now um, uh, try to avoid uh, having too many meetings with students uh, because it's more efficient just to say you reply on email and you will we the uh, teacher will respond on email to, uh, to a student, unless they use Telenor, maybe they call them sometimes. But you know, you know the, one of the things they have emphasized here when they have researched a bit. Uh, into it is that students also need to meet. we are social uh, animals. we need to talk and uh, see each other and challenge each other's opinions. like you are coming here, uh, and, but when you also, you can just meet other students. and when i took this course in sweden, we were three in oslo. Who attended the same course and we would we had a chance to meet and, and talk. Say, did you understand this thing? You know, I can't understand it, you know. And and but also just to encourage it, each other uh, in order to avoid dropout. Because very often dropout is high in distance educational programs when there is very little human contact with others. उन्होंने अलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का विजिट भी किया नॉर्वे के वफद ने इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में रेडियो और टीवी स्टूडियोस स्टूडियोज़ देखे और यहाँ पर नस्ब मशीनरी की तारीफ की नाज्रीन शोबा अंग्रेज़ी ज़ुबानों इतला के लसानियात के जेर एहतमाम कायम होने वाले सेल्फ असमेंट सेंटर यानी सैक से कमेटी को अलाम अकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महमूद हसन बट ने तश्कील दिया था गुजा दिनों सैक कमेटी का एक इजलास भी हुआ और हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत भी हुए तकरीब तो से खताब करते हुए अकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महमूदुल्हसन बट ने कहा Ilam Akhbar, Open University through me wants to thank Higher Education Commission for playing a very leading role in fulfilling not only the needs of the higher educational institutions but also of the lower educational institutions. There's some perception around that ATC only deals with higher things and bigger things or things which have very little to do with basic education here is an example the new scheme of studies that has been adopted last year developed on aiou campus calls for starting teaching of english in our public schools from first grade onwards how do we produce teachers for those how do we ensure that it takes place and for this the university has been embarked upon a multifaceted program Executive Director, HEC Dr. Suhay, ne apne hitab mein kaha. Uh, the role of HEC has always been in developing uh, the pilot uh, plant, the first uh, uh, model, which can then be replicated. And I'd like to congratulate the committee for uh, working and putting this uh, excellent model together and for the selection of Alama Iqbal Open University, uh, a large uh, university, के इजलास की रुदा और अब बढ़ते हैं ए आई ओ यू मैगजन के अगले सेगमेंट की जानब नाजरीन पच्चीस नवम्बर दो हजार आठ को अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आडिटोरियम में फकर इकबाल की असली मानवीय के मौजूद पर सेमिनार हुआ इस मौका पर सेमिनार से खिताब करते हुए मेहमान हसूसी वफाकी वजीर ममलिकत ब्राय तालीम ग़ुलाम फरीद काठिया ने कहा अमा मोहम्मद इकबाल ने जहालत के खिलाफ जुल्म के खिलाफ नाइंसाफी के खिलाफ हर किस्म के इस्तबदाद के खिलाफ शख्सी हकूमत के खिलाफ आमरीत और मलुकियत के खिलाफ मलाइत और पीरी के खिलाफ जो जद्दोजहद की है वाम को इससे रोशनास कराने की आज के दौर में जिस कदर ज़रूरत है वो पहले कभी न थी इकबाल जमहूरीत पर यकीन रखने वाले एक अजीम व फिक्र थे जमहूत पर इकबाल के अतमाद की एक मिसाल तो ये है कि वो खुद उन्नीस सौ छब्बीस में एक इलेक्शन का हिस्सा बने पंजाब कौंसल के इंतब में कामयाबी हासिल की और बतौल रुकन पंजाब कौंसल अपना पार्लिमानी किरदार भरपूर तरीके से अदा किया इसी जमहूरी निज़ाम पर इनके एतमाद और यकीन की दूसरी मिसाल ये है कि वो इस्लामी तफक्कर की की जदीद करते हुए इजिहाद का हक भी मुंतब पार्लिमान के सपोर्ट करने की बात करते हैं देते हुए वाइस चांसलर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर महमूदन भट्ट ने कहा एशिया में फ़ासिलतीी निज़ाम तलीम की इस पहली के केम का खब शहीद वज़र अजमज अली भो ने देखा था और फिर फिऱलती निज़ाम तलीम का ये तर उन्नीस सौ चहत्तर में पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी की शक्ल में सामने आया शहीद सुल्लफ़ार अली भुट्टो तालीम के तेज़ रफ़्तार फोग को जमहूरीत की बका और इसकाम के लिए नहायत ज़रूरी ख्याल करते थे तालीम सब के लिए इस ज़माने में तख्लीक किया जाने वाला नारा है जो पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का नसबुलरार पाया इस दानशगा को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि शहीद मोहतरमा बे नज़िर भुट्टो ने इलामती तौर पर इस यूनिवर्सिटी की तालब इल्म बनकर न सिर्फ़ यूनिवर्सिटी के नसबुल से हम आहंगी का सबूत पेश किया बल्कि ओपन यूनिवर्सिटी के लाखों तलबा तो के इतमाद और इफ्तार में भी इजाफ़ा किया चौदह मार्च उन्नीस सौ छियानवे को इसी ऑडिटोरीम में शहीद मोहतरमा बे नज़ीर भुट्टो ने ओपन यूनिवर्सिटी के मिशन से अपनी वाबस्तगी का बरमला इजहार फरमाया था ख़िनत उन्नीस सौ अस्सी में जब इस दानिशगाह को इलाम अकबाल के इसमें ग्रामी से मनसूब किया गया तो उस वक्त इस यूनिवर्सिटी के एक ख़ास इम्तियाज़ के तौर पर यह फ़ैसला भी किया गया कि यह मुत्यात और तहक़ीक़ इकबाल के लिए एक मुनफरद शोबा क़ायम किया जाए इस शोबे के क़्याम से लेकर आज तक इलामा अकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में योम इकबाल पर मरकज़ी तकरीबा का इनका यूनिवर्सिटी का एक नुमा एजाज़ बन चुका है प्रोफेसर डॉक्टर हालिद मसूद ने कलीदी मकाल पढ़ते हुए कहा मैंने फ़िक्र इकबाल का जो मतलब किया है तो उस लिहाज से मैं चंद बातें अर्ज करूँगा सबसे पहले तो असरीत का मसला है असरीत है क्या मेरा ख़्याल है इकबाल की फ़िक्र की जो मानवियत है उसको जब तक हम सर सैद की तहरीक से नहीं जोड़ेंगे उस वक्त तक इनका जो कारनामा है इनकी जो फिक्र है उसको हम सही तौर पर समझ नहीं सकेंगे लाजमी तौर पर सर सैद की फ़िक्र में और इकबाल की फ़िक्र में बहुत सारा फ़र्क हो सकता है लेकिन ये इर्तका का इख्तिला है इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें तजाद तो हैं तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ इकबाल की फ़िक्री मानवीयत को समझने के लिए हम सर सैद से इसका आगाज़ करना होगा सर सैद ने मबादुल तबियात से तबियात की तरफ यानि नई सैंसिस की तरफ दावत दी थी अलामा इकबाल के यहाँ असरी मानवीय सर सैद से बहुत ज़्यादा वसी और बहुत ज़्यादा गहरी और जितना सर सैद को ाल अपने अहद की असरी तहक़ीक़त का जितना इलम नहीं था उससे कहीं ज़्यादा ल्ला इकबाल को था तो इसलिए इकबाल के यहाँ इसमें बहुत गहराई है और बहुत सारे ऐसे पहलुओं का उन्होंने ज़िक्र किया है जिनको इकबाल के हम असर भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसका पूरा एहसास आज जो असरीत की तहरीक साठ सत्तर साल के बाद जहाँ पहुंची है अब उसका थोड़ा बहुत एहसास होने लगा है लेकिन अलामा इकबाल के यहाँ उसकी पेशबी नहीं पहले से मौजूद थी प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक ने मकाला पढ़ते हुए कहा और इकबाल वो शख्स है कि क्या मैं पाकिस्तान से 25 साल पहले पंजाब लेजस्लेटिव असम्बली में उसने सवाल उठाया था कि एग्रीकल्चर पर ग्रेजुअल टैक्स लगाया जाए जब ये सवाल उठा कि ये जो ज़मीनें हैं ये जागीरदारों को ब्रिटिश क्राउन ने दी हैं और उससे पहले मूल दिया करते थे तो इकबाल ने कहा था कि द पीपल ऑफ पंजाब ओन दीज लैंड बिफोर द रेस ऑफ बाबर एंटर्ड इन टू हिस्ट्री क्राउन्स कम एंड गो ओनली पीपल आर इमार्ट लेकिन आज हम किताबुल्ला की तावीलात में उलझे हुए हमारे हुक्मरान भी और हमारे सियासतदान भी और हमारे सरमायादार भी तो जिस इस्लाम का वो नाम लेते हैं वो दीन मुस्तफ़ा है वो दीन मुल्ला है वो दीन मलूक है और दीन मुस्तफ़ा का दुश्मन है वो क्या है वो अबू लाभ के पैरोकार है वो मुस्तफ़ा के नहीं जो इकबाल ने कहा इर्ग नजर दौड़ाई आंख खोल के तो उन्होंने देखा कि हर जगह लाब की प्रस्तृष हो रही है और मुस्तफा गायब है मुस्तफा नजर ही नहीं आता हर जगह मुसलमान माशरों में लाब है लाब कौन था मुस्तफा का रिश्तेदार था एक ही नस्ल थी एक ही खानदान था तो खानदानी बादशाह मुस्तफा के देश में क्या है अबू लाभ की पैरवी है मुस्तफा की पैरवी नहीं साहिबान स्टेज मुज्ज़ हाजरीन मैं शुक्रगुजार हूँ नामवर स्कालर और ममताज़ माहिरकबालियात प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक का नामवर दीनी दानिश्वर और अल्लामा इकबाल पर अथार्टी की हैसियत रखने वाली अहम तरीन शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद साहब का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने ख़्यालत आलिया से हमें और हमारे तलबा को मुस्तफीद फरमाया शुक्रगुजार गुज़ार हूँ जनाब वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन भट साहब का जिन्होंने फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में मेरे रफ़ाए कार की हमेशा हौसला अफजाई की और इस नौीय की इलमी अदबी सरगर्मियों की सरपरस्ती की जिनके जरिए हम पूरे मुल्क में फैले हुए फ़ासिलती निज़ाम तलीम के अपने एम एम फिल पी एच डी के तलबा और तलबात को इल्म यानी औरल नॉलेज से हमकिनार करने के काबिल हुए नहायत अदब और एहतराम के साथ ममनू हूँ सीनियर पार्लियामेंटेरियन दानशवर सियासतदान और वजी ममलिकत ब्राय तलीम जनाब फरीद काठिया साहब का जिन्होंने कलम दान वजारत संभालते ही वतन अजीज़ में तालीम के मैार और फिर की तरफ खसूस तवज्जो दी और ये सिलसिला मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ जारी वारी है आप तमाम हाजरीन का भी शुक्रिया नाजरीन ए आई ओ यू मैगज़ीन का आखिरी सेगमेंट मबनी है इम्तहान में शर्क होने वाले तलबा वलबात के तसुर पर ये इम्तहान गुज्त माह की बीस तारीख को शुरू हुए और उन्नीस जनवरी तक जारी रहेंगे सादिया हमारी मुलाकात करवाएंगी उन उनबा तल्बा तलबात और ट्यूटर से जी तो आइए चलते हैं सादिया के पास जी सादिया। शुक्रिया फरहन असलकम नाजरन ए आई यू मैगजीन में आपकी मेज़बान सादिया कमाल हाजिर है आज हमारे इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा तालबात भी साथ में शामिल हैं जो अपने एजुकेशन के हवाले से अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहिए आइए उनसे बात करते हैं आप अपना तारुफ़ करवाएँगे माई नेम इज़ान रिसेंटली आई हैव कम्प्लीट मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड करंटली आई एम वर्किंग इन नेशनल डाटा बेस्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेड क्वार्टर इस्लामाबाद एज ए असिस्टेंट मैनेजर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में मशहूर है कि ये घर बैठे डिग्रियाँ दे रही है आपने यहाँ पर तालीम हासिल की है आपने कैसा पाया है इधर जॉब के रह जॉब करते हुए ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है आप एक वक्त में दो काम करें कि आप एजुकेशन भी गेट करें और जॉब भी करें क्योंकि लर्निंग और अर्निंग बहुत हर डिफ़िकल्ट टास्क लेकिन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैं ये बहुत टीचर्स को कहूँगा कि इन्होंने बहुत मेहनत करवाई हमें मैथडोलॉजी ऑफ स्टडी बहुत अच्छा है और अगर हमें डूरिंग स्टडी कोई प्रॉब्लम आती रही है हम उनसे टेलीफोन पे कम्युनिकेट किया है उनसे मिले हैं उन्होंने हमारी हेल्प की है एज़ कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी देखें फीसिस के मामले में और अदर मैटर्स के बंदे मिडिल क्लास फैमिली के पीपल्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन अमामा इकबालपन यूनिवर्सिटी से मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी हुई है कि अगर कोई बंदा एजुकेशन गेट करना चाहता है तो वो अपने मकसद में कामयाब हासिल हो सकता है और मैंने इधर से जॉब में रह के मैट्रिक का मैं स्टूडेंट था इंटर किया है ग्रेजुएशन किया है मेरा मास्टर भी कम्प्लीट है आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ मेरा नाम मोहम्मद जमील बारवी है और मेरा जिला लिया से ताल्लुक़ है मैं यहाँ एम फिल उर्दू फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ दौरान तालीम आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा और आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया हमारे लिए कोई वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थे यूनिवर्सिटी की सतह पर हमारे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा लेकिन ये और बात है कि हमें फ़ासला सफरी मसाइल का सामना करना पड़ता है जॉब्स को मसाइल उन मसाइल को हल करना पड़ता है हम अपने बॉस को अपने जहां हम जॉब करते हैं उनको कायल करना पड़ता है उनको छुट्टी लेने का मसला होता है सबसे बड़ा और वो हमारे इन मसाइल को जानते हुए हमें कोशिश करते हैं को एकामोडेट करें और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी की सतह पर हमें ऐसा किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आवा हमारे इस ने प्रॉपर तरीके से हमारे लिए वर्कशॉप अरेंज की, प्रॉपर तरीके से उन्होंने हमारे लिए किताबियात हमारे लेक्चर अरेंज किए हमारे लिए कराम बड़े आलिम फाजिल और दाना किस्म के हम मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म के इस को हमारे लिए अरेंज किया उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर दिए आप अपना तारुफ़ करवाएँगी मेरा नाम कुब्रा प्रवीन है मैं एम फिल उर्दू की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर एम थीसिस वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ हमारे एम फिल के तमाम प्रोग्राम्स में वर्कशॉप्स होती हैं आप क्या समझती हैं कि इन वर्कशॉप से कितनी हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है जहाँ तक वर्कशॉप्स की इम्पोर्टेंस का ताल्लुक है तो ये वर्कशॉप्स हमारे लिए बाकायदा बिल्कुल मुफीद होती हैं क्योंकि हम फाजलती निज़ाम तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमें जो बड़े बड़े नाम स्कॉलर्स और डॉक्टर्स होते हैं हम जिनको किताबों में जस्ट पढ़ते हैं हम उनसे फ़ेस टू फेस मुलाकात करते हैं अपने प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनसे शेयर करते हैं और यूँ कहें कि हमारा तकरीबन हाफ से ज़्यादा सिलेबस जो होता है वो इन वर्कशॉप्स के दौरान जो होता है वो क्लियर हो जाता है कुछ हमारे ज़ेन में ऐसे सवाल होते हैं जो हम असाइनमेंट्स में तो मतलब खाना पूरी के लिए लिख लेते हैं फिर भी टूटर उनकी मिस्टेक्स निकालते हैं तो फिर यहाँ पर आकर हम अपने जो मिसकन्फ्यूजन होते हैं उनको क्लियर करते हैं सबसे बड़ी बात और नंबर दो के इन फ़्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है हम उस साथ सा के साथ बाकायदा रबते में रहते हैं आप अपना तारुफ करवाएँगी मेरा नाम समीना अख्तर है और मैं यहाँ पे एम उर्दू में स्टूडेंट हूँ वैसे आई एम सी जी एफ सवन फोर में लेक्चरर हूँ उर्दू की और यहाँ पे हमारी इस वक्त थीसिस वर्कशॉप चल रही है आपका प्रोग्राम कहाँ तक है तलीम हासिल करने का और आपने फ़ासिलती नि तलीम को कैसा पाया मेरा प्रोग्राम तो यहाँ से पी करने का भी है लेकिन कोर्स वर्क में चूँकि 59 परसेंट मार्क्स हैं तो अब यूनिवर्सिटी कराती है या नहीं क्योंकि सुना ये जा रहा है हमें अब पता चला है कि 60 परसेंट मार्क्स वालों को पी कराया जाएगा और फ़ासिलतीी निज़ाम तरीम मेरे लिए बहुत बेहतर रहा इसलिए कि बेसिकली मेरा ताल्लुक मुल्तान साइड से है तो मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ यहाँ से इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से सी किया पी किया एम किया और अब इस वक्त एम का भी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है आप अपना तारुफ़ करवाएं और ये बताएं कि आप किस लेवल का कोर्स पढ़ा रहे हैं मेरा नाम गुलाम फ़ारूक है जी मैं स्पेशल एजुकेशन में लेक्चरर हूं और गुजशत 12 साल से मैं बतौर लेक्चरर काम कर का रहा हूं और ओपन यूनिवर्सिटी में भी मुझे 5-6 साल हो गए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर मैं टीचिंग कर रहा हूँ बतौर ट्यूटर काम कर रहा हूँ ट्यूटर की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं और आप इस ज़िम्मेदारी को किस हद तक निभा रहे हैं डिस्टेंस और नॉन फार्मल एजुकेशन में ट्यूटर बड़ा अहम रोल अदा करता है उसकी पांच मेजर रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं पहले तो वो एक बात उसको फ़ेस टू फेस टीचिंग भी करना पड़ती है कॉर्सपॉन्स टीचर की हैसीत से काम करता है इसके अलावा बतौर गाइड और काउंसलर की हैसियत से काम करता है इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन और लर्नर के दरमियान एक जो गैप है उसको फिल करता है और राबते का सबब बनता है आप तलबा को क्या हदायत देना चाहेंगे तलबा से हमारे हम ये कहेंगे कि वो क्लासेस को ज़रूर अटैम्प्ट करें जो ट्यूटोरियल मीटिंग्स हैं उनमें ज़रूर आएँ क्योंकि यूनिवर्सिटी उनके लिए ही ये ट्यूटोरियल का बंदोबस्त करती है और क्योंकि वहीं पर उनको पता चलेगा कि ट्यूटर उन्हें बताएगा कि असाइनमेंट कैसे अटैम्प्ट करनी है सवाल कैसे लिखना है उसका आंसर किस तरह होना चाहिए उसको स्टार्ट कैसे लेना है उसका मिड कैसे होगा सब्जेक्ट मैटर कैसे होगा और आखिर में कंक्लूजन क्या होगा और फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर तो खास तौर पर चूँकि रेफरेंसेज का बड़ा होता है रिसर्च वर्क होता है जिसमें रेफरेंसेज का जिक्र होता है और रेफरेंस एट का हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर होने चाहिए तो स्टूडेंट्स को इलम नहीं होता कि रेफरेंसेज कैसे देने हैं रिसर्च वर्क कैसे करना है अगर वो क्लासेस में आएंगे तो तभी वो सही तरीके से काम कर सकेंगे आम तौर पर यह देखने में आया है कि स्टूडेंट्स को शिकायत होती है कि असाइनमेंट्स के हवाले से वो लोग मतम नहीं होते उनकी शिकायत ये होती है कि असाइनमेंट में या तो नंबर नहीं लगाए जाते या फिर कमी बेशी होती है आप इस बारे में क्या कहेंगे असाइनमेंट एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है असाइनमेंट मार्किंग ट्यूटर के ऊपर ट्यूटर को चाहिए ये डेफिनेट होना चाहिए ट्यूटर टोटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ उनको पढ़े उनके ऊपर कमेंट्स भी लिखे और फिर उनकी एवेलेशन करते हुए उनको ग्रेड या मार्क्स भी अवार्ड करें अगर वो ऐसा नहीं करता तो दैन उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है उसको सीज कर देना चाहिए उसको ज़िम्मेदारी नहीं देनी चाहिए तो ट्यूटर मोस्टली हमें तो गुजशतर हम पाँच छः साल से कर रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं तो इसीलिए रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है अगर कोई नहीं करता तो उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और स्टूडेंट के साथ जो है उसके मुस्कबिल से या स्टूडेंट की तलीमी प्रोग्राम से उसको उसको ऐसा नुकसान पहुँच सकता है अगर वो टूचर टीचर या ट्यूटर ऐसा काम नहीं करता नाजरीन ये थे हमारे साथ साथबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर तलबा वालबात जो अपने मुख्तलिफ ख़्याल का इजहार कर रहे थे अब चलते हैं हम स्टूडियो में फरहीन की तरफ शुक्रिया सादिया। जी नाजरीन तो आपने इम्तहान में शर्क होने वाले तलबा और ट्यूटर्स के तसर सुने हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी इनकी बातों से मदद मिलेगी इसके साथ ही ए आई ओ यू मैगजीन अपने अहताम को पहुँचता है हमें उम्मीद है आपको इस माह का मैगज़ीन पसंद आया होगा अगले माह अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ताज़ा तरीन सरगर्मियों के साथ फिर हाजिर होंगे हमें आपकी आरा का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए इंचार्ज प्रोग्राम ए आई ओ यू मैगज़ीन अलामाबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर एच एट इस्लामाबाद अपनी मेज़बान फरहीना को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़